हेलो फिफ्थ क्लास बेटा, हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फोर्थ कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर सेकंड का ज्योतिषी घोड़ा, जिसका नाम है, पेज नंबर 16 ओपन कर लीजिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये देखिए, आप देख सकते हैं किसने कहा, ठीक, डायलॉग लिखे हुए हैं और हमें पहचानना है। आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से ले ली होगी, अगर नहीं ली है, जिसके पास बुक नहीं है तो वीडियो देख लीजिए और अपना बुक्स का अरेंजमेंट जल्दी कर लीजिए। बुक बहुत ज़रूरी होती है हम लोग को पढ़ने के लिए, नहीं तो मोबाइल पकड़े पकड़े आँखें खराब हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर का मतलब किसने कहा है, क्वेश्चन है इसका है का, कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है। किसने बोला था ये बात बताइए, याद आया कि नहीं आया? कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है, चक्रधर से बोला था किसने, राम लुभाया ने। तो हम लोग लिख देंगे राम लुभाया। राम लुभाया ने क्यों कहा था, क्योंकि उसके घोड़े ने बताया ना, उसे ठंड लगने लगी, उसे बुखार जैसा महसूस होने लगा, इसलिए। खा है आपका, हवा के नाम पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। किसने बोला, जब उसने कहा ना कुछ ही घंटों में मौसम खराब होने वाला है राम लुभाया ने, तो चक्रधर ने तुरंत बोला हवा के नाम पर एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, बोला था ना। तो हम लोग इसमें आंसर लिख देंगे चक्रधर। आपकी वर्डिंग गलत नहीं होनी चाहिए, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए घर में, ओके। गा है आपका, तुम्हें यह सब कैसे पता चला, कौन सी बात कि राम लुभाया को कैसे पता चल गया कि मौसम खराब होने वाला है, या फिर पानी आने वाला है, या बाढ़ आने वाली है, या तूफान आने वाला है ना, क्या आया था, तूफान आया था ना। तो तुम्हें यह सब कैसे पता चला, किसने बोला, आ गया या आया कि नहीं आया। चलिए आया, अगर नहीं आया तो फिर हम लोग देते हैं राम लुभाया, राम लुभाया, ओके। तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, कौन सी बात पर, जब राम लुभाया से उसने बोला तो राम लुभाया ने क्या बोला कि मेरे घोड़े की वजह से पता चला, तो उसे आश्चर्य हो रहा था ऐसे कैसे हो सकता है। तो राम लुभाया ने चक्रधर से कहा कि तुम्हें तो इस बात पर चकित नहीं होना चाहिए, तो किसने कहा, राम लुभाया ने, ओके, राम लुभाया। नेक्स्ट है आपका, क्या घोड़ों की हरकतों से, क्या, यहां से कॉमा लगा हुआ समझ लीजिए, क्या घोड़ों की हरकतों से, यानी कि यहाँ पे किसने कहा, ये चक्रधर ने कहा, क्योंकि घोड़ों की हरकतों से कैसे पता चल सकता है, वो तो बहुत बड़ा ज्योतिषी मानता था ना अपने आप को। अब है बेटा पेज नंबर, देखिए भाषा की बात, लैंग्वेज पेज नंबर यहाँ चेंज कर दिया मैंने 17। अनेकार्थ अकेला क्यों लिखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना आप देख लेंगे, यहाँ देखिए निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के अनेकार्थी शब्द लिखिए। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं, अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिस एक वर्ड होता है उसकी मीनिंग दो या उससे अधिक होते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ रंगीन तो नहीं हो सकता, तो मैंने अंडरलाइन कर रखा है अंक, आम, शयन और एक और होगा यहाँ पे जल। चलिए देख लेते हैं, इस जैसे क्वेश्चन का है, पांच अंक की संख्या बताओ, पांच अंक की संख्या बताओ। तो जो अंक एक वर्ड आया है, क्या अंक, अंक का मतलब बताना है जिसके दो मतलब हो, तो अंक मतलब होता है गोद। आप मम्मी की गोदी में बैठते हो ना, तो जो गोद होती है उसका मतलब होता है अंक। आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं अपनी माँ के अंक में बैठा हूँ। दूसरी बात अंक, जैसे आपके कितने मार्क्स आए, आपके कितने अंक आए, तो क्या हो गया आपका अंक का मतलब संख्या। फिर दूसरा है आपका, माँ ने बच्चे को शयन कक्ष में सुला दिया, माँ ने बच्चे को शयन कक्ष में सुला दिया। तो शयन का मतलब क्या होता है, एक होती है शैया, जो बिस्तर होता है ना उसको बोलते हैं शैया यानी शयन, और दूसरा शयन मतलब होता है सोना, सोना मतलब जो हम सो जाते हैं, सोते हो ना, दिन में भी सोते होगे और रात में भी सोते हैं। राम ने आज आम खरीदे, राम ने आज आम खरीदे, तो आम का जो मतलब होता है, एक तो आम होता है जो खाते ना, मीठा मीठा भी बहुत मार्केट में मिल रहा है, आम मतलब फल, आम मतलब फल। दूसरा क्या होता है, साधारण, आम बात है यानी कि साधारण बात है, तो आम का मतलब क्या हो गया, साधारण। भा देती है, श्रवण कुमार पिता के लिए जल लेने गया, श्रवण कुमार पिता के लिए जल लेने गया, जल का मतलब क्या हो गया, पानी पीते हो ना उसको जल कहते हैं, भगवान के लिए जल चढ़ाते हैं वो भी पानी है ना, तो जल भी कहते हैं। और दूसरा जल, जिसे हम लोग चाय गरम गरम देते हैं मम्मा, तो हम लोग छू लेते हैं, हम कहते हैं जल गए, ऐसे करते हैं ना, जल जाना, उसको भी हम लोग कहते हैं जल। आई थिंक सर में आ गया होगा, नहीं सर में आए तो पूछ लीजिएगा।
पेज नंबर 16 और 17 आप कंप्लीट कर लेंगे, मैंने आपको पहले सेंड कर दिया है। और नेक्स्ट में क्वेश्चन आंसर की जो आप लोगों ने छोड़ दिया ना क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 16 का, मैं वो आपको कराऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।